हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे पैकोडस में। सो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग अपने एप्लीकेशन में जीगो क्लाउड को इंटीग्रेट करते हैं और हम लोग यहाँ पे ऑडियो कॉल की फंक्शनलिटी लगाएंगे अपने एप्लीकेशन में, जिसमें दो बटन रहेंगे, एक रहेगा स्टार्ट कॉल और एंड कॉल का। स्टार्ट कॉल पर क्लिक करेंगे तो हमारी कॉल स्टार्ट हो जाएगी और एंड कॉल पर क्लिक करने पर हम लोग की कॉल एंड हो जाएगी। और इसमें हमें दो यूज़र चाहिए होंगे इस एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए, ताकि हम लोग का कॉलिंग सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जीगो क्लाउड प्लेटफॉर्म का यूज़ करेंगे। और इसके पहले हम लोगों ने अगोरा के थ्रू देखा था, अभी हम लोग जीगो क्लाउड के थ्रू देखेंगे। अभी हम लोग वॉइस कॉल देख रहे हैं, इसके बाद हम लोग वीडियो कॉल पर भी देखेंगे कि कैसे इनका वर्क करता है, और चैटिंग सिस्टम पर भी देखेंगे। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग वीडियो को। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे आते हैं क्रोम में और ये है इनका डॉक्यूमेंटेशन। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से इसको विजिट कर लीजिएगा। आप लोग नॉर्मली इसको फाइंड करने जाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा ढूंढना, इसीलिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और आपको इस पर अकाउंट अपना बनाना पड़ेगा। अकाउंट बना के आपको इसकी की चाहिए होगी, तो आपको सिंपली साइन इन कर लेना है और साइन इन के बाद आपको इसकी की मिल जाएगी। मैं अभी आपको साइन इन का प्रोसेस भी दिखा दूंगा कि कैसे हम लोग साइन इन करते हैं। इसमें ऑप्शन है आप एक नया प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, यानी कि कैसे आप लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, पूरा प्रोसेस इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में बता के रखा आपको। क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, आप सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट बनाइए और फिर उसमें एसडीके को इंटीग्रेट कीजिए, जिसमें हमें इनकी डिपेंडेंसी का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि इनकी डिपेंडेंसी है जीगो एक्सप्रेस ऑडियो ऑडियो कॉल के लिए। या आप लोग मैनुअली भी यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकते हैं, लाइक इनकी जो भी जार फाइल है उसको डाउनलोड करके, बट वो प्रोसेस बहुत लेंदी है, तो उससे बेटर है कि हम इनकी डिपेंडेंसी डायरेक्ट यूज़ कर लें। और इसके बाद फिर यहाँ पे कोड है, हमें अपना इंजन क्रिएट करना होगा, जीगो एक्सप्रेस इंजन डॉट क्रिएट इंजन। इसमें अपने प्रोफाइल को पास करेंगे, प्रोफाइल हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, लाइक ऐप आईडी क्या होगी, ऐप साइन इन क्या होगा, ऐप का सिनारियो क्या होगा और एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट। इसके बाद अगर हमें इंजन को डिस्ट्रॉय करना है, यानी कि उसको रिलीज़ करना है, तो हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रॉय इंजन कॉल करते हैं और वहाँ पर नल को पास कर देते हैं। तो ये दो चीज़ हमें यहाँ पे यूज़ करनी होती है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे इवेंट को लिसन करते हैं, लाइक क्लाउड में हम लोग के कब कोई यूज़र आके ज्वाइन करता है, हमारी वीडियो स्ट्रीमिंग कब स्टार्ट हुई या ऑडियो स्ट्रीमिंग कब स्टार्ट हुई, यूज़र क्या ऑडियो स्ट्रीमिंग से वीडियो स्ट्रीमिंग पे स्विच कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे ऑडियो वीडियो कॉल का फीचर होता है, सेम कॉल पर हम स्विच कर जाते हैं, तो वो सारे यहाँ पे हमें अपडेट्स मिलते हैं। तो अभी हम लोग ऑडियो कॉल के लिए देख रहे हैं, तो अभी इसमें हम लोग कुछ ही चीज़ों का यूज़ करेंगे, जैसे कि ऑन रूम यूज़र अपडेट है, जो हमारा कोई नया यूज़र ज्वाइन करता है तो ये मेथड कॉल होता है। और यहाँ पे अगर उसका टाइप ऐड है, यानी कि नया यूज़र ऐड हुआ है, डिलीट का मतलब वो यूज़र लेफ्ट करके चला गया है, तो ये सारी प्रोसेस है यहाँ पे। और इसके बाद नीचे आते हैं तो लॉग इन लॉग आउट फंक्शनलिटी है, लाइक कैसे किसी यूज़र को लॉग इन कराना है, तो यही कोड हम लोग यूज़ कर सकते हैं, आप लोग कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कैसे हम लोग कोड करते हैं और कब हमें स्टार्ट पब्लिश करना है और कब हमें स्टॉप पब्लिश करना है, यानी कि जो भी हम अपनी स्ट्रीमिंग को चालू किए हैं, एक तो वह हमारा यूज़र आके कनेक्ट हो गया, अब हम कॉल को कंटिन्यू कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो वो हम लोग इससे करेंगे, स्ट्रीमिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे तभी हमारी कॉल चलनी स्टार्ट होगी, नहीं तो मल्टीपल यूज़र जैसे आके ज्वाइन कर ले, लेकिन जब आप स्ट्रीमिंग स्टार्ट करेंगे तभी वो चीज़ आपकी स्टार्ट होगी। ऐसे ही आप लोग इसको स्टॉप भी कर सकते हैं और आपको यहाँ पर कॉल कब करना है वो सारा प्रोसेस ही, यानी कि अगर आप लोग इसको फॉलो करते हैं तो आपको पूरा का पूरा कोड यहीं से मिल जाएगा। आप लोग कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं सेम चीज़ें। कौन कौन सी परमिशन रिक्वायर होंगी एसडीके के थ्रू, वाईफाई स्टेट रिकॉर्ड ऑडियो इंटरनेट, लाइक जो बेसिक फीचर होते हैं एक ऑडियो वीडियो कॉल के लिए, वो सारे यहाँ पे मांगे गए हैं। जैसे कि कैमरे की परमिशन हम लोग को नहीं चाहिए, ब्लूटूथ की परमिशन हम लोग को नहीं चाहिए, ये चाहिए होगी जब हम लोग वीडियो कॉल करते हैं उस टाइम। और यहाँ पे परमिशन रन टाइम परमिशन है, तो रन टाइम परमिशन आप लोगों को हम लोगों ने पहले से ही बता कर रखा है कि कैसे करना है, तो आप लोग उसको ऐड कर लीजिएगा। अभी हम लोग यहाँ पे रन टाइम परमिशन पे नहीं जाएंगे, हम लोग मैनुअली जाके दे देंगे परमिशन, या फिर आप लोग इस कोड का यूज़ कर सकते हैं, इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर प्रोवाइड किया है। आते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में और एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जीगो क्लाउड के नाम से, न्यू प्रोजेक्ट। और यहाँ पे हम लोग जेटपैक कंपोज पे अभी इसको नहीं बना रहे हैं, हम लोग नॉर्मल इसको कोल्डिन और एक्सएमएल के लेआउट पे बना रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे नॉर्मल प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं। अगर आप लोग जेटपैक कंपोज पे भी जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम लोग जेटपैक कंपोज के ऊपर अलग से वीडियो बना देंगे। और यहाँ पे इसको नेम देते हैं जीगो क्लाउड यूट्यूब, आप लोग अपने अकॉर्डिंग, अगर आप लोग किसी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में लगा रहे होंगे तो कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे हम लोगों ने डीएसएल लाइब्रेरी का यूज़ किया है, फिनिश करते हैं इसको। तो अभी नए एंड्रॉयड स्टूडियो में काफ़ी सारे चेंजेस आए, अभी जो नया लेटेस्ट वर्जन चल रहा है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। यहाँ पे हम लोग का ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, प्रोजेक्ट हम लोग का यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, आप लोग ग्रेडल स्क्रिप्ट में आएंगे और यहाँ पे अभी बिल्ड डॉट ग्रेडल में आएंगे,
तो यहाँ की जो डिपेंडेंसीज थी वो मूव हो चुकी है यहाँ पे टॉमल फाइल में। अगर आप लोग नया लेटेस्ट एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करेंगे तो आप लोग अवेयर होंगे इसके बारे में। तो टॉमल के बारे में हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे काम करता है। अभी हम लोग इसके बारे में यहाँ पर नहीं देखेंगे। आते हैं हम लोग यहाँ पर बिल्ड डॉट ग्रेडल में, और यहाँ पर पहले हम लोग इसकी जीगो क्लाउड की डिपेंडेंसी को ऐड करते हैं। तो हमें अपने सेटिंग डॉट ग्रेडल में इस मावेन को ऐड करना है। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे सेटिंग डॉट ग्रेडल आते हैं और यहाँ पे इसको ऐड कर लेंगे। तो जैसे इन लोगों ने दिया है इस तरीके से ये नहीं ऐड होता है यहाँ पे अभी लेटेस्ट में। इस ब्रैकेट की जगह पे हम लोग को स्मॉल वाला ब्रैकेट यूज़ करना पड़ता है, और यहाँ पे होता है URL इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे सिंगल कोट की जगह पे होता है हम लोग का डबल कोट्स। ऐसे हम लोग इसको यहाँ पे बंद भी करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको मैवन में ऐड कर देंगे। अब नीचे आते हैं। अगर आप लोग पहले के एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं तो आपको इस तरीके से अपने ऑल प्रोजेक्ट में जाके ऐड करना पड़ता है बिल्ड डॉट ग्रेडल में प्रोजेक्ट लेवल। बट हम लोग लेटेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो ऊपर वाला हम लोग को करना है। और फिर नीचे आते हैं, ये इनका डिपेंडेंसी, इसको हम लोग यहाँ पर बिल्ड डॉट ग्रेडल में रखेंगे ऐप लेवल, और यहाँ पर ला के इसको पेस्ट कर देते हैं इम्प्लीमेंटेशन। और यहाँ पर भी काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं तो वो सारी चीज़ें भी हमें यहाँ पर करनी पड़ेंगी। XYZ की जगह हमें यहाँ पे स्पेसिफिक वर्जन डालना पड़ेगा, तो जो भी स्पेसिफिक वर्जन होगा हम यहाँ पे डाल देंगे। 3.12.4 अभी लेटेस्ट चल रहा है तो उसको हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, और इसको यहाँ पे डबल कोट्स में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिंगल कोट्स में नहीं। और अब इस पर अब ऑल्ट इंटर प्रेस करेंगे तो एक ऑप्शन है रिप्लेस विथ न्यू लाइब्रेरी कैटलॉग डिक्लेरेशन फॉर एक्सप्रेस ऑडियो। तो इस पर आप क्लिक करोगे तो ये डिपेंडेंसी आपकी टॉमल में जाके डिक्लेयर हो जाएगी, जैसे बाकी की डिपेंडेंसी यहाँ पे हुई हैं। तो अभी हमको बस सिंपली कर देना है यहाँ पे, और इसके बाद हम यहाँ पे सिंक नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये जो एरर आ रहा है ये एरर दूर हो जाएगा एक्सप्रेस ऑडियो का। अभी आते हैं हम लोग यहाँ पे अपने एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल में, और इस हेलो वर्ड को यहाँ से डिलीट कर देते हैं, इसका यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। इसकी जगह पे हम लोग यहाँ पे मेन पे क्लिक करेंगे राइट क्लिक, और यहाँ पे आते हैं हेल्पर में, एक हॉरिजेंटल गाइडलाइन यहाँ पे ऐड करते हैं सिंपली। आप लोग कॉन्स्टेंट लेआउट यूज़ करते होंगे तो आपको इसके बारे में पता होगा। और यहाँ पे दो बटन यूज़ कर लेंगे, एक बटन को हम लोग यहाँ पे रखते हैं और इसको यहाँ पे कॉन्स्टेंट कर देंगे। सेम एक बटन और रखेंगे यहाँ पे और इसको भी यहाँ पे कॉन्स्टेंट कर देंगे। तो यहाँ पे ऊपर जो ये कांस्टेंट हुआ इसको हम लोग यहाँ पे जीरो कर देंगे, और सेम इस वाले बटन को भी, यहाँ पे फिक्स है तो इसको जीरो जीरो कर देंगे तो सेंटर में बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। तो अभी ये दोनों बटन सेंटर में आ गए, एक होगा हम लोग का स्टार्ट कॉल और एक होगा एंड कॉल। तो नेम यहाँ पे चेंज कर देते हैं स्टार्ट कॉल, और दूसरा होगा एंड कॉल। एक की आईडी है बटन, एक की आईडी है बटन टू। अभी आते हैं और यहाँ पे हम लोग व्यू बाइंडिंग का भी यूज़ करेंगे तो उसको भी हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं व्यू बाइंडिंग, और यहाँ पे इसको ट्रू कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे इनेबल इज इक्वल टू ट्रू, आई थिंक इनेबल होगा, इनेबल इक्वल टू ट्रू। सिंक नाउ पे क्लिक करते हैं, मेन एक्टिविटी डॉट केटी में आते हैं, और यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे प्राइवेट लेट इन इट वायर, और ये होगा हम लोग का व्यू बाइंडिंग करके, हम लोग आई थिंक पहले भी डिक्लेयर करते थे, या बाइंडिंग करके कॉलन एक्टिविटी मेन बाइंडिंग, और इसको हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइज कर देंगे बाइंडिंग इज इक्वल्स टू एक्टिविटी मेन बाइंडिंग डॉट इनफ्लेट लेआउट इनफ्लेटर, और यहाँ पे पास कर देंगे बाइंडिंग डॉट रूट। अब यहाँ पे हम लोग के दोनों बटन हो जाएंगे, बाइंडिंग डॉट बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, और दूसरा बटन भी हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा बटन टू। अब बाकी चीज़ों के लिए हमें यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने हैं, वो वेरिएबल्स हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं जो कि हम लोग आगे यूज़ करेंगे चल के। प्राइवेट लेट इन इट वायर, एक होगा हम लोग का यहाँ पे यूज़र आईडी, और इसका जो टाइप होगा स्ट्रिंग होगा, ऐसे ही यहाँ पे एक यूज़र नेम करके होगा यूज़र नेम, और एक होगा हम लोग के यहाँ पर रूम आईडी, रूम आईडी, यूज़र आईडी, जो भी यूज़र की आईडी होगी स्पेसिफिक, हर एक यूज़र की अलग अलग आईडी होगी और यहाँ पे हमें अलग अलग आईडी ही यूज़ करना है। यूज़र नेम आप लोग भी अलग अलग ही रखिएगा, और रूम आईडी, दो लोग एक कॉल के साथ कनेक्ट हो रहे हैं तो रूम आईडी सेम होगी दोनों की। अभी आते हैं, यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे जो कि हमें यूनिकली रैंडम यूज़र आईडी जनरेट करके देगा अभी के लिए, बाद में आप लोग इसको अपने डेटाबेस से उठा सकते हैं, जो भी यूज़र की स्पेसिफिक आईडी होती है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे आते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन इसको प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं क्योंकि इसको हम लोग यहीं पर यूज़ करने वाले हैं,
जनरेट यूज़र आईडी, और जो इसका रिटर्न टाइप रहेगा वो रहेगा स्ट्रिंग, या हमें यूज़र आईडी यहाँ से रिटर्न करके देगा। वैल बिल्डर इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग बिल्डर, वैल रेंडम इज इक्वल्स टू रेंडम, और यहाँ पे आप लोग जावा डॉट यूटिल वाला यूज़ कीजिएगा, इसी का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। वाइल, और यहाँ पे आप लोग को कितने कैरेक्टर तक जनरेट करना है उसको हम लोग यहाँ पे वाइल लूप में कंडीशन लगा देंगे, उतनी ही स्ट्रिंग का हम लोग का जनरेट होगा यूज़र आई डी। बिल्डर डॉट लेंथ इज लेस देन 5 या 7, जितना भी आप लोग जनरेट करना चाहते हैं लेस देन यहाँ पे आप लोग ऐड कर दीजिएगा। वैल नेक्स्ट इंट इज इक्वल्स टू रेंडम डॉट नेक्स्ट इंट, और इसके अंदर हम लोग अपना बाउंड पास कर देंगे कि हमें कितने डिजिट के अंदर चाहिए, तो यहाँ पे अभी हम लोग 10 पास कर देंगे, तो ये 0 से 9 के अंदर कोई भी एक डिजिट जनरेट करके हमें देगा। इफ़ बिल्डर डॉट इज इम्पटी, अगर हमारा बिल्डर इम्पटी है या फिर दूसरी कंडीशन है, एंड नेक्स्ट इंट इज इक्वल टू 0। हमारा अगर बिल्डर एम्प्टी है और पहला जो डिजिट है वो 0, यानी कि 0 से कोई डिजिट स्टार्ट होती है तो उसके 0 का कोई मतलब नहीं रहता, तो हम लोग यहाँ पे 0 को अवॉइड करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू को कॉल कर देंगे जिससे कि ये लूप को आगे बढ़ा देगा। और अगर ऐसी कंडीशन नहीं आती तो फिर हम लोग यहाँ पे बिल्डर में अपेंड कर देंगे जो भी हमारी नेक्स्ट इंट की वैल्यू है, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे जब हमारा वाइल लूप कंप्लीट हो जाएगा बिल्डर डॉट टू स्ट्रिंग। तो यहाँ पे जो यूज़र आईडी है उसके आगे हम लोग इसी को कॉल कर लेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, यूज़र आईडी इज इक्वल्स टू जनरेट यूज़र आईडी, और यूज़र नेम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे डॉलर, और यहाँ पे जो भी यूज़र आईडी उसको पास कर देंगे यूज़र आईडी अंडरस्कोर, और यहाँ पे नेम, आप लोग जो भी यूज़र का नेम होगा आप लोग डेटाबेस से उठा के यहाँ पे यूज़ कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो रूम आईडी है उसको यहीं पे डिक्लेयर कर देते हैं क्योंकि अभी हम लोग स्टैटिक रखने वाले हैं, बाद में आप लोग अपने सर्वर से दो यूज़र के लिए जनरेट कर सकते हैं, अभी के लिए हम लोग यहाँ पे इसको स्टैटिक रख देते हैं। प्राइवेट वायर या वैल रूम आईडी इज इक्वल्स टू, और इसका नेम हम लोग यहाँ पे रख देंगे टेस्ट कॉल आईडी। अब यहाँ पे बेसिक सेटअप हो चुका है, अभी हमें एक यहाँ पे कॉन्स्टेंट फाइल बनानी है जिसमें हम लोग अपना ऐप आईडी रखेंगे और साइन इन की रखेंगे जीगो क्लाउड का। तो यहाँ पे हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्लास बना लेते हैं, राइट क्लिक कीजिएगा न्यू, और यहाँ पे कोल्ड इन क्लास आर फाइल, यहाँ पे आप लोग ऑब्जेक्ट पे चूज़ कीजिएगा ऑब्जेक्ट, और इसका नेम हम लोग यहाँ पे दे देंगे कॉमन या यूटिल, जो भी आप लोग नाम देना चाहें यूटिल दे देते हैं इसको। यहाँ पे दो चीज़ होगी, वैल कॉन्स्ट वैल, ये कॉन्स्टेंट रहेगा हम लोग का, और ये एक होगा हम लोग का यहाँ पे ऐप आईडी, ऐप अंडरस्कोर आईडी, और इसमें आप लोग को अपनी ऐप आईडी रखनी जो आपको जीगो क्लाउड प्लेटफॉर्म से मिलेगा। दूसरा हम लोग का यहाँ पे कॉन्स्ट वैल, और ये होगा हम लोग का ऐप साइन इन की, ऐप साइन की या साइन की हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं साइन की इज इक्वल टू, और ये भी आपको जीगो क्लाउड से मिलेगा ऐप आईडी और साइन की, आप लोग वहाँ से जनरेट करके यहाँ पे लाके पुट कर दीजिएगा। अभी आते हैं मेन एक्टिविटी में, और बिना आपको यहाँ पे ऐप आईडी और साइन की यूज़ किए बिना ये आपका रन नहीं करेगा, तो आपको इसको यहाँ पे ऐड करना ही पड़ेगा। आप लोग सिंपली जीगो क्लाउड पे अपना अकाउंट बना सकते हैं, आई थिंक वो कुछ फ्री ट्रायल भी देते हैं, उसमें आपको बस खाली लॉग अकाउंट ही बनाना रहता है, तो आप लोग इजीली कर लीजिएगा। अभी हम लोग का इनका यहाँ पे कॉल करना है जो पहला मेथड था क्रिएट इंजन करके, तो यहाँ पे आते हैं एक बार डॉक्यूमेंटेशन में, और क्रिएट इंजन करके ये मेथड है, इसको हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, डिस्ट्रॉय इंजन बना लेते हैं। इसमें सिंपली हम लोग को जीगो इंजन प्रोफाइल बनाना है, उसमें हमें अपनी ऐप आई डी, ऐप साइन इन और डिफ़ॉल्ट ये सब असाइन कर देना है। आइए और क्रिएट करते हैं इसको। प्राइवेट फन क्रिएट इंजन वैल प्रोफाइल इज इक्वल्स टू जीगो प्रोफाइल, जीगो इंजन प्रोफाइल। अब इस प्रोफाइल में हम लोग अपनी ऐप आईडी को सेट कर देंगे, ऐप आईडी इज इक्वल्स टू ऐप आईडी, तो ये हमें यहाँ पे यूटिल से मिल जाएगा, यूटिल्स डॉट ऐप आईडी, और ऐप आईडी हम लोग के यहाँ पर लॉन्ग टाइप की रहती है, तो ये लॉन्ग टाइप का रहेगा। यहाँ पे हमें जो भी हमारी ऐप आईडी रहेगी वो लॉन्ग टाइप की रहेगी, तो लास्ट में आप लोग एल लगा दीजिएगा। इसके बाद हम लोग की यहाँ पे ऐप साइन रहेगा, और ये स्ट्रिंग ही रहता है, यहाँ पे हम लोग ऐप साइन दे देंगे साइन की। इसके बाद हम लोग यहाँ पे सिनारियो रहता है, और ये रहेगा हम लोग यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जीगो सिनारियो प्रोफाइल डॉट, और यहाँ पे हम लोग का रहेगा एप्लीकेशन, यहाँ पे हम लोग अपने एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट दे देंगे, एप्लीकेशन इज इक्वल्स टू एप्लीकेशन। तो ये होगा हम लोग का प्रोफाइल, अब इसको हम लोग अपने जीगो में सेट कर देंगे।
तो यहाँ पे यूज़ करेंगे जीगो एक्सप्रेस इंजन डॉट क्रिएट इंजन, और यहाँ पे हम लोग अपने इस प्रोफाइल को सेट कर देंगे प्रोफाइल कॉमा, और इस प्रोफाइल के साथ हम लोग यहाँ पे नल डाल देंगे नल। और इसके बाद हम लोग अपना यहाँ पे डिस्ट्रॉय इंजन कॉल करना होता है, जिसमें हम लोग अपने इंजन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं प्राइवेट फन डिस्ट्रॉय इंजन। और इसमें सिंपली हम लोग को करना कुछ नहीं है, जीगो एक्सप्रेस इंजन डॉट डिस्ट्रॉय इंजन, और इसमें हम लोग नल को पास कर देंगे, यहाँ पे स्मॉल वाला ब्रैकेट यूज़ करेंगे और इसमें हम लोग नल पास कर देंगे नल। तो इस तरीके से हम लोग अपने इंजन को डिस्ट्रॉय कर देंगे यहाँ पे। अब इस क्रिएट इंजन को हमें यहाँ पे जब क्लिक करेगा यूज़र तो हमें यहीं पे कॉल करना है क्रिएट इंजन, और जब हमारा इंजन क्रिएट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज़र को सेंड करेंगे लॉगिन करने के लिए। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक तो हमारा इवेंट लिसनर है और एक है यूज़र को लॉगिन और लॉगआउट कराने का। तो हम लोग पहले इवेंट वाला कर लेते हैं, फिर हम लोग लॉगिन और लॉगआउट पे जाते हैं। तो आते हैं यहाँ पे एक इवेंट कॉल लिसनर बना लेते हैं, यहाँ पे बनाते हैं प्राइवेट फन स्टार्ट इवेंट लिसनर, और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे जीगो एक्सप्रेस इंजन डॉट गेट इंजन डॉट सेट इवेंट हैंडलर ऑब्जेक्ट कॉलन जीगो इवेंट हैंडलर। तो अब इसके अंदर के हमें मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना है। आप लोग यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे, एक है ऑन रूम स्ट्रीम अपडेट, और यहाँ पे जावा का डॉक्यूमेंटेशन, आप लोग यहाँ से कोल्डिन का भी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को कोल्डिन के बारे में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ऑन रूम स्ट्रीट, ऑन रूम स्ट्रीम अपडेट, ऑन रूम यूज़र अपडेट। तो ये सारे मेथड हमें यहाँ पे ओवरराइड करने होंगे। यहाँ पे आते हैं और लिखते हैं ऑन रूम स्ट्रीम अपडेट, एक मेथड ये हो गया हमारा। दूसरा है हम लोग का यहाँ पे ऑन रूम यूज़र अपडेट, ऑन आई थिंक इसके बाहर हम लोग को करना है, एक हम लोग का फंक्शन ये हो गया, और एक यहाँ पे ऑन रूम यूज़र अपडेट करके होगा, एक ऑन रूम यूज़र अपडेट, ऑन रूम स्टेट चेंज, ऑन पब्लिशर स्टेट अपडेट, रूम स्टेट चेंज्ड, ऑन पब्लिशर अपडेट, ऑन पब्लिशर स्टेट अपडेट, ऑन प्लेयर स्टेट अपडेट। तो ये मेथड है जो हमें ओवरराइड करने थे, यहाँ पे हमने सबको ओवरराइड कर लिया। अब इसके अंदर हम लोग कंडीशंस अपनी लगाएंगे, जो जो कंडीशन हमें चाहिए होगी वो सारी हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो आते हैं सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ऑन रूम स्ट्रीम अपडेट के अंदर, और यहाँ पे ऑन रूम स्ट्रीम अपडेट के अंदर हमें दो मेथड कॉल करने होंगे, लाइक हमें अपना जो भी स्ट्रीम है उसको प्ले करने के लिए। तो उसके लिए हमें यहाँ पे दो फंक्शन और बनाने पड़ेंगे, प्राइवेट फंक्शन स्टार्ट प्ले स्ट्रीम, और इसमें हम लोग यहाँ पे स्ट्रीम आईडी पास कर देंगे, स्ट्रिंग स्ट्रीम आईडी कॉलन स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जीगो एक्सप्रेस इंजन डॉट गेट इंजन डॉट स्टार्ट प्लेइंग स्ट्रीम, और यहाँ पे हम लोग अपनी स्ट्रीम आईडी पास कर देंगे। सेम एक फंक्शन हम लोग यहाँ पे और बनाएंगे इसको स्टॉप करने के लिए, स्टॉप प्ले स्ट्रीम, और यहाँ पे भी हम लोग अपनी स्ट्रीम आईडी को ही पास करेंगे, बस यहाँ पे स्टार्ट की जगह पे हो जाएगा हम लोग का स्टॉप प्लेइंग स्ट्रीम। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे ऑन रूम स्ट्रीम अपडेट में, यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ अपडेट टाइप, जो हम लोग का यहाँ पे अपडेट टाइप मिल रहा है, इज इक्वल इक्वल टू जीगो अपडेट टाइप डॉट ऐड, अगर ये जीगो अपडेट टाइप ऐड का है तो हम लोग यहाँ पे इसको प्ले करेंगे, नहीं तो हम लोग इसको पॉज कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग कॉल करेंगे स्टार्ट प्ले स्ट्रीम को, और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे स्ट्रीम लिस्ट, इसमें से हम लोग जीरो इंडेक्स वाले को उठाएंगे और उसकी स्ट्रीम आईडी को पास कर देंगे, और यहाँ पे हमें नलेबल ऑपरेटर लगाना पड़ेगा यहाँ पे स्ट्रीम लिस्ट में, और यहाँ पे हम लोग का एल्स कंडीशन होगा, और यहाँ पे हम लोग कॉल कर देंगे स्टॉप प्ले स्ट्रीम, सेम चीज़ यहाँ पे भी पास करेंगे स्ट्रीम लिस्ट जीरो डॉट स्ट्रीम आईडी। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे ऑन रूम यूज़र अपडेट में, अगर हम लोग का यहाँ पे यूज़र अपडेट होता है यानी कि यूज़र ऐड हुआ है या फिर यूज़र रिमूव हुआ है, तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली हम लोग एक टोस्ट यहाँ पे शो करेंगे बस, इफ़ अपडेट टाइप इज इक्वल इक्वल टू जीगो अपडेट टाइप डॉट ऐड, अगर ये जीगो अपडेट टाइप ऐड के इक्वल है तो यहाँ पे ऐड होने के बाद हम लोग इसको चेक करेंगे कि जो हम लोग की यहाँ पे यूज़र लिस्ट है उसमें हमारा यूज़र है या नहीं है, अगर होगा तभी हम यहाँ पे बताएंगे कि यूज़र लॉगिन हो चुका है या नहीं हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग फॉर लूप का यूज़ करेंगे, फॉर यूज़र इन यूज़र लिस्ट, जो हम लोग को यहाँ पे ऊपर यूज़र लिस्ट मिल रही है उसका यूज़ करेंगे,
और अगर हम लोग का यहाँ पे यूज़र यूज़र लिस्ट में होगा, और यहाँ पे अगर हम लोग का यूज़र यूज़र लिस्ट में होगा तो यहाँ पे हम लोग शो कर देंगे एक टोस्ट कि जो हम लोग का यूज़र है वो लॉग इन हो चुका है, एल्स। और यहाँ पे एक और इफ कंडीशन हम लोग लगाएंगे, देखेंगे कि जो हम लोग का यूज़र है वो डिलीट हुआ या नहीं हुआ है। यूज़र टाइप इज इक्वल इक्वल टू जीगो अपडेट टाइप डॉट डिलीट। अगर ये डिलीट टाइप का हुआ है और यहाँ पे कुछ एरर आ रहा, यहाँ पे हम लोगों ने यूज़र लिस्ट लिख लिया है, यहाँ पे यूज़र टाइप होगा, यूज़र टाइप जो हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर यूज़ किया था, अपडेट टाइप, सॉरी अपडेट टाइप। और सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे भी चेक करेंगे फॉर लूप लगा के, अगर हम लोग का यहाँ पे यूज़र मिलता है यानी कि फिर ये लॉग्ड आउट हो चुका है, लॉग्ड इन किसी के पे हो जाएगा, लॉग्ड आउट फ्रॉम रूम। तो ये था हम लोग का यहाँ पे यूज़र अपडेट का कोड। अभी आते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट ऑन रूम स्टेट अपडेट चेंज में आते हैं, और यहाँ पे भी हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे इफ़, जो हम लोग यहाँ पे रीज़न मिल रहा है उसी से हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, रीज़न इज इक्वल इक्वल टू जीगो रूम स्टेट चेंज्ड डॉट लॉग इन फेल। अगर हम लोग का यहाँ पे लॉग इन फेल के इक्वल है यानी कि हम लोग का यहाँ पे यूज़र लॉग इन नहीं हुआ है, लॉग इन होना उसका फेल हो गया है, कुछ इशू होगा, तो यहाँ पे सिंपली टोस्ट शो कर देंगे, टोस्ट दिस एट द रेट मेन एक्टिविटी। और यहाँ पे इसी का यूज़ कर लेंगे ताकि पता चले कि यहीं से हम लोग का यूज़र लॉग इन फेल हुआ है, लॉग इन फेल्ड। अब इसके अगर हम लोग आते हैं यहाँ पे ऑन पब्लिशर स्टेट अपडेट में, और यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि हम लोग के जो जीगो क्लाउड है उससे कोई एरर आ रहा है या नहीं आ रहा, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ़ एरर कोड, जो हम लोग यहाँ पे एरर कोड मिल रहा है, अगर ये जीरो के इक्वल है, जीरो के इक्वल है यानी कि कोई भी एरर यहाँ पे नहीं है, हम लोग अपने स्ट्रीमिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग को कोई टोस लगाना है, कोई कंडीशन लगानी है, तो आप लोग लगा सकते हैं इफ़ स्टेट इज इक्वल टू जीगो पब्लिशर स्टेट डॉट पब्लिशिंग। अगर ये पब्लिशिंग के इक्वल है, यहाँ पे डुअल इक्वल होगा, अगर ये पब्लिशिंग के इक्वल है तो यहाँ पे कोई इशू नहीं, हम लोग अपनी पब्लिशिंग स्टार्ट कर सकते हैं। एल्स इफ स्टेट इज इक्वल टू जीगो पब्लिशर स्टेट डॉट नो पब्लिश, अगर ये नो पब्लिश के इक्वल है तो यहाँ पे हम लोग शो कर देंगे नो पब्लिश दिस, और सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे शो कर देंगे। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे ऑन प्लेयर स्टेट अपडेट में, यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे एरर कोड को, यहाँ पे भी इफ़ एरर कोड इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, अगर जीरो के इक्वल नहीं यानी कि कोई ना कोई एरर आया है आपके ऐप आई डी या किसी भी किसी ना किसी चीज़ में, तो यहाँ पे हम लोग मैसेज शो करेंगे टोस्ट दिस एट द रेट मेन एक्टिविटी ऑन प्लेयर स्टेट अपडेट। और यहाँ पे जो भी स्टेट होगा हम लोग यहाँ पे स्टेट को शो कर देंगे, स्टेट कॉलन डॉलर, और यहाँ पे एरर कोड को शो कर देंगे। तो यहाँ पे जो भी एरर कोड होगा आप लोग जीगो क्लाउड प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, वहाँ पे एरर कोड सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा उसके स्पेसिफिक क्या एरर है। आप लोग यहाँ पे सर्च करेंगे एरर कोड इन जीगो क्लाउड, तो इनका एक पूरा पेज ही आएगा जिसमें आप लोग अपने एरर कोड को डाल के सर्च कर सकते हैं कि क्या एरर कोड हो सकता है, स्पेसिफिक एरर कोड का मतलब क्या है, वो सारा चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगा। या आप लोग मैनेज करना चाहते हैं तो आप लोग मल्टीपल कंडीशन या फिर व्हेन स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं, तो लाइक आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या चीज़ें करनी है। और यहाँ पे हम लोग एक और स्टेट चेक करेंगे इफ़ जीगो क्लाउड इफ़ स्टेट इज इक्वल इक्वल टू जीगो प्लेयर स्टेट डॉट नो प्ले, अगर ये नो प्ले के इक्वल है तो भी हम लोग यहाँ पे टोस्ट को शो कर देंगे, टोस्ट दिस, और यहाँ पे एट द रेट मेन एक्टिविटी हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग यही शो कर देंगे नो प्ले। अब यहाँ पे हमें दो मेथड और बनाने हैं, स्टार्ट पब्लिशिंग और स्टॉप पब्लिशिंग, तो यहीं पे बना लेते हैं प्राइवेट फन स्टार्ट पब्लिश, और यहाँ पे हम लोग गेट करेंगे स्ट्रीम आईडी, वैल स्ट्रीम आईडी इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम लोग एक स्ट्रीम आईडी जनरेट करेंगे जो कि यूनिक होगा, तो हम लोग के पास ऑलरेडी यूजर आईडी उसी के कॉम्बिनेशन से हम लोग यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, तो हम लोग ऐसे कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे बना सकते हैं, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा, यूजर आईडी के बाद अंडरस्कोर ही रहेगा, तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अपनी स्ट्रीम आईडी बना लेंगे। हम लोग यहाँ पे आगे लिखते हैं जीगो एक्सप्रेस इंजन डॉट गेट इंजन डॉट इनेबल कैमरा, और यहाँ पे हम लोग कैमरा को नहीं इनेबल कर रहे तो इसको हम लोग यहाँ पे फॉल्स कर देंगे, डॉट स्टार्ट पब्लिशिंग स्ट्रीम, और यहाँ पे हम लोग अपनी स्ट्रीम आईडी को पास कर देंगे। तो
तो सिंपली हम लोग को इतना करना रहता है, अपनी स्टीम आईडी को पास करके स्टार्ट पब्लिशिंग कर देते हैं और हम लोग यहाँ पे पब्लिशिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टॉप पब्लिशिंग भी कॉल करेंगे, प्राइवेट फन स्टॉप पब्लिशिंग स्टॉप पब्लिश स्ट्रीम। और यहाँ पे सिंपली हम लोग कॉल करेंगे जीओ एक्सप्रेस इंजन डॉट गेट इंजन डॉट स्टॉप पब्लिशिंग स्ट्रीम। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पब्लिशिंग को स्टॉप कर देंगे। हम लोग यहाँ पे ऊपर आते हैं। अब यहाँ पे हमें यूजर को लॉग इन कराना है रूम में, तो वो करा लेते हैं। यहाँ पे एक और फंक्शन बनाते हैं, प्राइवेट फन लॉग इन रूम वेल यूजर इज इक्वल्स टू जीगो यूजर। और यहाँ पे हम लोग दो चीजें पास करेंगे, एक यूजर आईडी, दूसरा यूजर का नेम। आप लोग यहाँ पे इसके डेफिनेशन पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा क्या क्या आपको पास करना है। वेल रूम कॉन्फिग जीगो रूम कॉन्फिग रूम कॉन्फिग डॉट इज यूजर स्टेटस इज यूजर स्टेटस नोटिफाई। और इसको हम लोग यहाँ पे प्रूव कर देंगे, यूजर को नोटिफाई होना चाहिए जब हम लोग यहाँ पे रूम को ज्वाइन करें तब। जीगो एक्सप्रेस इंजन डॉट गेट इंजन डॉट लॉग इन रूम। और यहाँ पे हमें अपनी रूम आईडी पास करनी होती, तो रूम आईडी हम लोग यहाँ पे जनरेट करेंगे, कुछ यूनिक होना चाहिए और रूम आईडी सेम होनी चाहिए। तो ऊपर हम लोगों ने रूम आईडी डिफाइन करके रखा है, वही हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे रूम आईडी। इसके बाद फिर हमें यहाँ पे अपना यूजर पास करना पड़ता है, तो यूजर हम लोग के पास ऑलरेडी, हम लोग उसी यूजर को यहाँ पे पास कर देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे रूम कॉन्फिग पास करना पड़ता है, रूम कॉन्फिग भी हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर डिफाइन किया, रूम कॉन्फिग को यहाँ पे पास कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे हम लोग को इसका लिसनर मिलेगा और यहाँ पे हमें एरर मिलेगा जिसका टाइप यहाँ पे इंट रहेगा एरर कॉमा। और यहाँ पे हम लोग को एक डेट मिलेगी, एक्सटेंडेड डेट। और इसका टाइप यहाँ पे रहेगा जेसन ऑब्जेक्ट और ये नलेबल भी हो सकता है। अब यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे इफ एरर इज इक्वल टू जीरो, अगर हमारा एरर जीरो के इक्वल है तो यहाँ देखिए हम लोग का यूजर जो सक्सेसफुली लॉग इन हो चुका है। तो यहाँ पे जीरो को चेक करने की जरूरत नहीं, अगर आप टोस्ट शो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक टोस्ट शो कर देते हैं जब हम लोग का यूजर लॉग इन होगा, इफ एरर इज इक्वल टू जीरो, अगर हम लोग का यूजर जीरो के इक्वल है तो यहाँ पे एक टोस्ट शो हो जाएगा, टोस्ट दिस। और यहाँ पे शो कर देंगे यूजर लॉग इन और यहाँ पे कॉल करेंगे स्टार्ट पब्लिश। अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग यहाँ पे टोस्ट शो कर देंगे लॉग इन फेल दिस और यहाँ पे शो कर देंगे लॉग इन फेल। अब इस लॉग इन रूम को हम लोग यहाँ पे ऊपर कॉल करेंगे जब हम लोग अपना इंजन क्रिएट करेंगे, यहीं पे क्रिएट इंजन के बाद हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे लॉग इन रूम। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे अपना इवेंट को लिसन करेंगे, स्टार्ट इवेंट लिसनर। तो ये तीन चीज हम लोग यहीं पे करेंगे, हम लोग बाकी के मेथड्स को देखते हैं कब कॉल करेंगे। तो हम लोग का ये होगा स्टार्ट इवेंट लिसनर लॉग इन रूम। अब बाकी हम लोग का डिस्ट्रॉय इंजन यहाँ पे कॉल होना और स्टॉप पब्लिश होना, यानी कि स्टॉप के सारे कंडीशन बाकी हैं, तो उसको देखते हैं हमें कहाँ पे कॉल करने हैं। तो यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे प्राइवेट फन स्टॉप कॉल और यहाँ पे हम लोग अपने पब्लिश को स्टार्ट स्टॉप करेंगे स्टॉप पब्लिश। और यहाँ पे हमें लोग कॉल करना पड़ेगा लॉग आउट रूम, यहाँ से रूम से लॉग आउट भी करना पड़ेगा। इस मेथड को यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं और इसमें क्या रहेगा उसको भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं और यहाँ पे लॉग आउट रूम होना चाहिए, लॉग आउट रूम। तो यहाँ से हम लोग जीगो एक्सप्रेस इंजन डॉट लॉग आउट रूम को कॉल कर देंगे, हो जाएगा जीगो एक्सप्रेस इंजन डॉट गेट इंजन डॉट लॉग आउट रूम। तो ये दो चीज होगा जो हम लोग का स्टॉप कॉल पे कॉल होगा और स्टॉप कॉल हम लोग का यहाँ पे कॉल होगा स्टॉप कॉल। क्रिएट इंजन स्टॉप कॉल और एक मेथड हम लोग के पास होगा यहाँ पे ऑन डिस्ट्रॉय और यहाँ पे हम लोग कॉल कर लेंगे डिस्ट्रॉय इंजन को। और स्टॉप होने पे भी हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं डिस्ट्रॉय इंजन, तो हम लोग का इंजन यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अभी यहाँ पे हम लोग को परमिशन चाहिए होंगी, तो परमिशन के लिए हम लोग यहाँ पे मैनिफेस्ट की लाइनें को कॉपी करते हैं यहाँ से और इसमें से सारे हमें परमिशन नहीं चाहिए, जो चाहिए हम लोग वही यहाँ पे रखेंगे जिससे हम लोग का वर्क हो जाए। वाईफाई स्टेट रिकॉर्ड ऑडियो इंटरनेट एक्सेस नेटवर्क स्टेट कैमरा नहीं चाहिए, ब्लूटूथ नहीं चाहिए, ऑडियो सेटिंग मॉडिफाई रख सकते हैं,
राइट एक्सटर्नल स्टोरेज भी अभी नहीं चाहिए हम लोग को, और कैमरा ऑटो फोकस भी नहीं चाहिए, ये वाली भी नहीं चाहिए। और अगर आप लोग यहाँ पे यूज करते हैं प्रोगार्ड रोल तो आपको ये चीज यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, अगर आप लोग नहीं यूज करते तो कोई इशू नहीं है। अभी आई थिंक ये सब कुछ हो गया है, इसको एक बार रन करके टेस्ट करते हैं कि सही तरीके से हम लोग का वर्क करता है या नहीं करता है। और मैंने टेस्ट में आप लोग को अगर एंड्रॉइड 33 अवेलेबल 33 के ऊपर रन करें तो आपको यहाँ पे एक परमिशन और चाहिए होगी पोस्ट नोटिफिकेशन की। वैसे भी हम लोग नोटिफिकेशन का कुछ ज्यादा यूज कर नहीं रहे हैं तो कोई ज्यादा जरूरी नहीं, बट यहाँ पे पोस्ट नोटिफिकेशन यूज करना पड़ेगा। इसको यहाँ पे रन करते हैं और आप लोग इसको दो डिवाइस में रन कीजिएगा तभी आप लोग इसको यहाँ पे कंफर्म कर पाएंगे कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। और यहाँ पे हम लोग का एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है, हम लोग यहाँ पे दूसरे वाले में भी इसको रन कर देते हैं दूसरे फोन में भी। और यहाँ पे हमें यहाँ पे परमिशन को अपडेट करना पड़ेगा, तो आते हैं यहाँ पे इसके ऐप इन्फो में, ऐप इन्फो, और यहाँ पे परमिशंस में आते हैं। सारे परमिशन को हम लोग यहाँ पे इनेबल कर देंगे जो जो भी होंगे, माइक्रोफोन है, अलाउ वाइल यूजिंग द ऐप, नोटिफिकेशन है इसको भी हम लोग यहाँ पे अलाउ कर दे रहे हैं, और लास्ट में फोन है इसको भी हम लोग यहाँ पे अलाउ कर दे रहे हैं। इसके बाद हम लोग एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन कर ले रहे हैं जियो क्लाउड यूट्यूब को, और यहाँ पे हम लोगों ने फोन में भी रन कर लिया है। हम लोग यहाँ पे भी परमिशन को सारे इनेबल कर देंगे, तो यहाँ पे सारे परमिशन इनेबल हो चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे कॉल करके चेक करते हैं कि कॉलिंग यहाँ पे काम कर रही है सही तरीके से या नहीं कर रही है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कॉल पे क्लिक करते हैं और देखते हैं लॉग इन फील्ड आ रहा है, और दूसरे में भी क्लिक करते हैं देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे लॉग इन फील्ड आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने ऐप आई डी और ऐप की नहीं डाली, तो उसको मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया। अब इसको दोनों डिवाइस में अगेन रन करते हैं, यहाँ पे लॉग इन हो चुका है यूजर और स्टार्ट कॉल पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे यूजर लॉग इन करके टोस्ट आ रहा है। अब दूसरे फोन में भी यहाँ पे क्लिक करते हैं, यूजर लॉग इन, और वहां पे लॉग्ड इन टू रूम आ गया, और यहाँ पे दोनों फोन पास पास में इसलिए इको आ रहा है। हेलो हेलो, आप लोग आवाज सुन पा रहे होंगे, आप लोग का आवाज आ रही होगी, तो जो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ एमुलेटर से आवाज आ रही है, और इसमें लाउड स्पीकर ऑन है क्योंकि एमुलेटर है। फोन में आप कान में लगाएंगे तो आपको आवाज आएगा, तो इस बस परमिशन आपकी इनेबल होनी चाहिए। और यहाँ पे मैं इंड कॉल करता हूँ, यहाँ पे नो प्ले का ऑप्शन आएगा। अब मैं कितना भी बोलूंगा आवाज बिल्कुल नहीं आएगा, नो प्ले का ऑप्शन आएगा, यानी कि हम लोग का यूजर जो लॉग आउट हो चुका है और यहाँ पे अभी यूजर कोई है नहीं, तो अकेले कॉल चलेगी नहीं। तो यहाँ पे हम लोग का इंड कॉल भी काम कर रहा है, यहाँ से भी इंड कॉल कर देते हैं, और ये हम लोग का जो हम लोग का ऑडियो कॉलिंग का सिस्टम अभी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि कैसे हम लोग वीडियो कॉलिंग को भी अपने एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर सकते हैं, वीडियो कॉल करा सकते हैं यूजर को, एक यूजर को दूसरे यूजर के साथ, और फिर अगर टाइम मिला तो ये भी देखेंगे कैसे हम लोग मल्टीपल यूजर को, जैसे जूम मीट में हम लोग मल्टीपल यूजर को ज्वाइन करते हैं, वैसे कैसे कर सकते हैं। सो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल ना होगा, थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो, बट बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें सीखने को मिली होंगी। सो दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी कोडिंग।